जी हाँ दोस्तों, ट्रॉन और BDT को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो अगर आपने भी ट्रॉन को बाय किया हुआ, BDT को बाय किया हुआ, तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाला तो उसमें बहुत ज़्यादा डीपली डिटेल दी थी कि बिट टॉरेंट है क्या और बिट टॉरेंट में आपको कैसे प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन जो जस्टिन सन ने, आपको पता होगा कि वो जस्टिन सन का पूरा ध्यान जो है वो हॉबी टोकन के ऊपर रहता है, हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर रहता है, जिसका नाम अभी STX के नाम से है। लेकिन अभी फाइनली इन्होंने एक और बहुत बड़ी अपडेट दी है ट्रॉन के इकोसिस्टम को लेकर, जिसमें BTT वालों को बहुत अच्छा एक तोहफा भी मिल सकता है। और यही कारण है कि आप देख पा रहे होंगे कि 24 आवर्स के अगर आप टॉप कॉइन्स की बात करें, जो कि टॉप ट्रेंडिंग में जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया, तो ये BTT टोकन ही है, जो कि पिछले 7 दिनों से लगभग 200% से भी ज़्यादा ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है। यानी कि अगर आपने बेयर मार्केट में ये कॉइन अगर बाय किया था, तो अभी आप ऑलरेडी 2-3 गुना प्रॉफिट अर्न कर चुके होंगे। लेकिन यहीं तक नहीं है, BTT और भी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। यही कारण है कि अभी ये 53 पोजीशन तक आ चुका है, ये पहले अराउंड 61 के आसपास चल रहा था। धीरे धीरे इसका जो मार्केट कैप के हिसाब से रैंक है वो भी अच्छा होता जा रहा है। एक और चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी 80 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब यह कि अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रीड है मार्केट में, हर कोई चाहता है कि वो ऑर्डकॉइंस को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करे। आपने देखा होगा कि BTC की वैल्यू थोड़ी सी डाउन गई है, लेकिन इसका खास इंपैक्ट ऑर्डकॉइंस के ऊपर नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। इसका आप यहाँ पे एक प्रूफ देख सकते हैं, जो कि इसका मार्केट कैप है। यानी कि ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनका मार्केट कैप $1.64 trillion के आसपास चल रहा है। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। यही कारण है कि हम ट्रॉन जैसे, लूना जैसे कॉइन्स में अच्छा प्रॉफिट लेने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5 कॉइन्स बताए थे एक्सचेंज बेस्ड कॉइन्स, जिसमें आपने ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो उसमें मैंने आपको एक FTT कॉइन बताया था, उसमें हमें 50% से भी ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है। और ये पोस्ट मैं डाल चुका हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वॉल्टेड ऑफिशियल, आप सर्च कर लीजिए या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं हर एक अपडेट डालता हूँ। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वॉल्टेड डिस्कस के नाम से, जहाँ पे आप किसी भी कॉइन के बारे में कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं हमारे ट्रेडर्स के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंच रहे। तो आप देख पा रहे हो कि ट्रॉन की वैल्यू जो है वो लगभग 10 सेंट के आसपास चल रही है, और जो BDT है ये ऑलरेडी इसने एक जीरो कम कर दिया है, $0.00013 के आसपास चल रही है। यानी कि इसका हम प्राइस देख पा रहे हैं, जो कि एज सिमिलर टू शिबा इनू भी दिख रहा है। लेकिन इससे पहले इसकी जीरोस बहुत ज़्यादा थी, जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था तो आपने चेक किया होगा कि इसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा कम थी। उसके बाद इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो ये जो पंप है, शुरुआत कहाँ से, ये पंप आना शुरू कहाँ से हुआ? तो आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि जब भी ट्रॉन के इकोसिस्टम में कोई भी अपडेट आती है, चाहे वो ट्रॉन की क्यों ना हो, उससे सारे कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो जस्टिन सन है, इन्होंने खुद बोला था, क्रिप्टो विंटर इज फाइनली कमिंग टू एन एंड एंड आई फर्मली बिलीव दैट एवरीवन हु कंटिन्यूज टू बिल्ड एंड कंट्रीब्यूट इन दिस इंडस्ट्री विल हैव अ ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। यानी कि इन्होंने भी एक इंडिकेशन दे दिया कि क्रिप्टो विंटर खत्म होना जा रहा है। और इसी के साथ साथ इनको तो यहाँ से एक कंफर्मेशन मिल गई कि 200 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं ट्रॉन इकोसिस्टम के ऊपर, ट्रॉन की कम्युनिटी बहुत बड़ी होती जा रही है। तो इतने ज़्यादा यूजर्स जो हैं, ये अभी ट्रॉन को तो ट्रेड करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो USDT है वो सबसे ज़्यादा ट्रॉन के इकोसिस्टम के ऊपर रहते हैं। यानी कि सही भाषा में कि ब्लॉकचेन के ऊपर USDT को ट्रेड किया जाता है, जो कि ट्रॉन की ब्लॉकचेन है। आपको ये पता होगा कि आप TRC20 के ऊपर ही ज़्यादातर USDT को ट्रेड करते हैं, ट्रेड या फिर रिसीव या सेंड करते हैं। तो अभी 17.2% जो यूज़र्स हैं वो USDT को TRC20 के ऊपर ही रिसीव या सेंड करते हैं। तो स्टेबल कॉइन वैसे भी इसकी जो टोटल वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है। आज अगर आप देखोगे तो तीसरे नंबर पर USDT है, क्योंकि इसकी जो मार्केट कैप है वो $90.5 बिलियन के आसपास है। तो यही कारण है कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था ट्रॉन के इकोसिस्टम के लिए, एंड जिस कारण आपने BTT में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया। यानी कि इतना ट्रॉन ने इतना प्रॉफिट नहीं दिया, बल्कि BTT कॉइन जो है, BTTC भी हम जिसको बोल सकते हैं, उसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। अब एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप अगर बाइनेंस यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपके पास BNBs रहते हैं, और उससे पहले BSDs भी रहते होंगे। यानी कि उन दोनों को आप यूज़ करके क्या करते थे, अगर कोई लॉन्च पूल के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई भी नया कॉइन आ रहा है, अगर लॉन्च पैड के ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पे आप BNB को या फिर BUSD को यूज़ करते थे। अब BSD तो रहा नहीं है। सिमिलरली हॉबी एक्सचेंज, जो कि STX एक्सचेंज है, इसके ऊपर अगर आपके पास TRX पड़े हैं, जिसका आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि जो STX का प्राइम पूल रहने वाला है, तो आप TRX होल्ड करके भी उसके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो चीज़ मैंने आपको ये बताई कि प्राइम पूल में जाओगे, इसी के साथ सबसे बड़ी चीज़ 51% APY मिल रहा है अगर आप TRX को स्टेक करते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता, लेकिन ये मिलता है यहाँ पे ओनली फर्स्ट आवर। तो इन्होंने ये बताया हुआ है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रॉन को कैसे कैसे यूज़ किया जा रहा है जस्टिन सन के द्वारा। चाहे वो एक्सचेंज के साथ जुड़ गए, लेकिन फिर भी वो ट्रॉन को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। अब 200 मिलियन अकाउंट्स में से 1.7 मिलियन एक्टिव अकाउंट्स हैं इस वक्त ट्रॉन के।
एंट्रॉन का टीवीएल आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसका $20 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुका है और काफी सारी पार्टनरशिप्स हुई हैं। इनका भी हैकाथॉन भी हुआ था जिसकी वजह से ट्रॉन बहुत ज्यादा हाइप में है। तो हाइप के साथ साथ जो आपको मैं एक बड़ी अपडेट बताना चाहता था वो ये कि अभी ये एक नया एयर ड्रॉप देने वाले हैं जो कि खासकर बाइनेंस यूजर्स के लिए रहने वाला है। तो इन्होंने बोला है कि बहुत लोगों का लॉस हुआ था पहले, उस लॉस को ये कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अनाउंस ये किया कि बाइनेंस स्क्वेयर के जो रेड पैकेट है उस पे ये सेलिब्रेट करने वाले ट्रॉन नेटवर्क के 200 मिलियन काउंट्स को। तो अगर आपको नहीं पता तो रेड पैकेट क्या होता है, रेड पैकेट बाइनेंस के ऊपर एक फीचर है जिससे आप किसी को भी कुछ फन क्रिप्टोकरेंसीज एज ए गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया कि हॉबी और पॉलिनेक्स एक्सचेंज के ऊपर $multi-million की हैकिंग हुई है इससे पहले और जितना भी लॉस हुआ है ये पूरे यूजर्स का एयर ड्रॉप के द्वारा धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरी एक जो उम्मीद है वो ये है कि अभी बीट टॉरेंट या BTTC की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम है तो उसको भी सम हाउ कवर करने वाले हैं, चाहे वो BTTC में कुछ ना कुछ दें चाहे अपने इकोसिस्टम में किसी और कॉइन के द्वारा कुछ हमें दें। तो ये सारी पॉजिटिव अपडेट्स के कारण ही हम देख पा रहे हैं कि BTT हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। एंड हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी प्रोजेक्ट चलता है तो वो अपने जो यूज़ केस है उसकी वजह से चलता है, इसके जो फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तभी चलता है। और ये चीज़ इन्होंने अनाउंस करी थी आज से एक दो दिन पहले कि इनका BTIP 52 प्रपोजल जो है वो फाइनली लॉन्च कर दिया गया है जिसके ऊपर ये सपोर्ट करते हैं एनक्रिप्टेड फाइल शेयरिंग, जिससे क्या कि डाटा की प्राइवेसी और भी ज़्यादा बेटर बनाई गई है। तो BitTorrent को हम पहले भी यूज़ करते थे लेकिन अभी इसके ऊपर ये और भी ज़्यादा एनक्रिप्शन ला रहे हैं फाइल शेयरिंग में। तो वैसे भी हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा इंक्रिप्शन रहेगी, जितनी ज़्यादा प्राइवेसी रहेगी, उतना ही ज़्यादा यूजेज होने वाला है Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स का, जिसमें BitTorrent सबसे ऊपर आता है। तो करंटली BitTorrent का जो टोटल मार्केट कैप चल रहा है $1.3 बिलियन के आसपास चल रहा है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम एक और जीरो कम हो जाएगी, ये बुल रन की शुरुआत में ही होने वाली है। तो हमेशा BTT या फिर इसी के साथ सन टोकन जो है, APNFT है, ऐसे टोकन जितने भी ट्रॉन के इकोसिस्टम में आते हैं उनको बाय करके रखें, मैं इनके बारे में अपडेट्स देता रहूँगा। और मैं ट्रॉन का मानता हूँ कि अभी भी ये 10 सेंट के आसपास चल रहा है, इसने कोई भी खास प्रॉफिट नहीं दिया है जब से बुल रन शुरू हुए। तो मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये है ट्रॉन से कि ट्रॉन हमें यहाँ से कम 10x तक का प्रॉफिट दे सकता है, यानी कि $1 तक ये जा सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको यहाँ पे एक और छोटा सा इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि जो जीटो के नाम से कॉइन चल रहा है, जीटो ये कॉइन एसोसिएटेड है सोलाना के साथ। तो सोलाना में और इसमें दोनों में हमेशा इकट्ठा ही पंप आएगा, लेकिन सोलाना ने बहुत अच्छी अचीवमेंट कर ली ऑलरेडी, $70 से ऊपर चल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन ये जो नया कॉइन आया था जीटो के नाम से, ये सोलाना के बेसिस पर पंप तो हो गया था लेकिन अभी धीरे धीरे डंप होता जा रहा है। तो आपको इसका एक सही प्राइस मिलेगा, बाइंग पॉइंट मिलेगा, जो मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा हमारे वॉल्टेड ऑफिशियल के ऊपर। तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लीजिए क्योंकि वहाँ मैं काफ़ी सारी यूनिक अपडेट्स देता हूँ जो आपको हर जगह पर नहीं मिलने वाली या फिर वीडियोज़ में नहीं मिलने वाली। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद।